जय माता दी। साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक नियमितीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 8। 8 साल तक पढ़ाया है किंतु रेगुलर नहीं, नियमितीकरण होगा या नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। जो हमें जानकारी दे रहे हैं संविदा कर्मी की, जो नियमितीकरण की रूल बुक थी उसी के आधार पर दे रहे हैं। आप चाहे तो बगल में देख सकते हैं। इसका प्रकार के कमेंट्स हैं पर्याप्त संख्या में देखने मिल रहे हैं कि सर 8 साल तक पढ़ाया है किंतु बीच में गैप हो चुका है, तो क्या नियमितीकरण का हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वर्तमान में जो संविदा कर्मी की नियम पुस्तिका को अध्ययन करें और जो गत वर्षों में विभिन्न राज्यों ने नियमितीकरण अतिथि शिक्षकों का किया है, तो उसमें नियमित तौर पर जो वर्ष मांगे गए हो रेगुलर मांगे गए हैं। कहने का तात्पर्य, आपने किसी एक वर्ष में गैप कर दिया है तो उस वर्ष की जो काउंटिंग है और अगले सत्र की 1 से प्रारंभ हो रही है। किंतु यदि आपने 8 वर्ष कंप्लीट पढ़ाया हो या पढ़ा चुकी हैं तो रेगुलर लगभग आपके 5 वर्ष तो मिनिमम रेगुलर हो ही जाएंगे। और अतिथि शिक्षक नियमितीकरण से की जो संभावना चल रही है वह है 5 से 10 वर्ष के मध्य चल रही है। अब कितने वर्ष इसमें नियमितीकरण की डिमांड करते हैं यह अभी कहीं भी सुनिश्चित नहीं कहा गया है। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।